वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चूँकि शिवभोजन पांडे जी का कल स्कूल से रिटायरमेंट हो चुका है, हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा यूनिक कार्यक्रम किया जाए कि बृहद मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में लोग याद करें कि एक बढ़िया सा कार्यक्रम हुआ। अब रहा सवाल पांडे जी का, तो पांडे जी मेरे मित्र हैं और एक मित्र के प्रति क्या धर्म होता है, मैंने उस धर्म का निर्वहन किया है क्योंकि हमारे साथ में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, तो समरस परिवार से काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। तो हम सब ने मिल के आज इस शिव पूजन यशो यात्रा की, मतलब हमने इसका एक अच्छा सा आयोजन किया और मैं उस पर अपने समरस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामना तो हम लोगों ने इनको बहुत दिया हुआ है, लेकिन ये भी कहीं कहीं से विश्वसनीय सूत्रों से जब पता चला कि ये गांव की तरफ भागने वाले हैं, मैं कहा गांव के लफड़े झगड़े भी मत पड़ना, वहां गए तो ख़त्म कहानी है, रहना है मुंबई में, ये मुंबई है, ये महानगर ऐसा है कि प्यारा सा महानगर है, ये हर एक को जीवन देता है, अगर जीवन जीना है तो मुंबई में रहना है और जीवन मरना है तो गाँव में जाना है, तो ये मान गए हैं मुंबई में रहेंगे। मतलब इस व्यक्ति में कि मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है, निस्वार्थ भाव से ये समाज की सेवा करते हैं, नो डाउट बृहद मुंबई महानगर पालिका में पढ़ाए हैं तो इनको पगार भी मिला है, लेकिन ये जो समाज के प्रति इनका लगाव रहा है वो लगाव भयंकर रहा है, उसमें इनका जो भाव मैंने देखा वो निस्वार्थ भाव में, कहीं पर भी पैसे की लालच किसी प्रकार का लालच ये इनके मन में मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए बड़ा इनसे अपनापन अपना लगाव रहता है। मुझे लगता है कि आज जिस मोड़ से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आज समरस फाउंडेशन परिवार, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उन सब के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा
इस सेवानिवृत्ति के बाद समरस फाउंडेशन के लिए और अपने सभी प्यारे दोस्तों के लिए मैं आगे भी संघर्षशील रहूंगा, कार्यरत रहूंगा और काम करता रहूंगा। जी, मैंने 31 वर्षों तक मुंबई महानगर पालिका में शिक्षक पद के रूप में सेवा दी है और मैं समझता हूँ कि इस दौरान मैंने हजारों बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी सुंदर ढंग से इसका निर्वाह किया है। आज हमारे पढ़ाए हुए तमाम बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे अपने बच्चों पर गर्व है।